सुरक्षा के इतने पुख्ता कोई इंतजाम नहीं दिख रहे हैं कि जिससे कोई संक्रमित व्यक्ति आए और उसे यहाँ कोई हमारे समझ से कोई आइसोलेशन वार्ड नहीं बनाया गया है कि जिससे उसको कंट्रोल कर सके। इनका जो अपना मानना है कि अगर हम नहीं आने देंगे हो सकता है कि इससे बचा रहे। चीन के कोरोना वायरस की दहशत अब उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रही है। ताज़ा खबर है श्रावस्ती जिले से। हालांकि यहां कोरोना वायरस का कोई नया केस नहीं है, लेकिन बौद्ध तीर्थ स्थली श्रावस्ती के डेन महामंगकोल मंदिर में एहतियातन एंट्री गेट पर ताला लगा दिया गया है। यानी मंदिर में फिलहाल देसी विदेशी पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इस बाबत मंदिर के नोटिस बोर्ड पर भी लिखा गया है, कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए मंदिर को अनिश्चित समय के लिए बंद कर दिया गया है। हालत में सुधार आते ही इसे खोल दिया जाएगा। इसमें ये कोरोना वायरस के कारण बंद किया गया है। लगभग कितने यहाँ पर पर्यटक डेली आते होंगे? लगभग 200-250 आ जाते हैं। तो क्यों बंद कर दिया गया और कब तक बंद किया गया? ये वही वायरस की वजह से बंद किया गया, इसका कोई टाइम नहीं दिए, ये अनिश्चितकालीन बंद किया गया है। वहीं प्रशासन के मुताबिक श्रावस्ती बौद्ध स्थली है, यहाँ पर विदेशी लोग बड़ी संख्या में आते हैं, एहतियातन उन्होंने मंदिर को बंद किया है। हालांकि जिले में अभी तक कोरोना वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, फिर भी लोग इसके लिए सजग हैं। जागरूकता के कारण इसे बंद किया गया है, कुछ समय बाद खोल दिया जाएगा। वहीं लोग ये बताते हैं कि यहाँ हर साल चीन, जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, कोरिया, म्यांमार समेत कई देशों के करीब 2 लाख से ज्यादा बौद्ध भिक्षु और धर्मावलंबी आते हैं। सर्दियों में तो कई मंदिरों में विशेष ध्यान सत्र भी यहाँ चलाए जाते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।